بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। भाई बहनों आप कैसे हैं? अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखरत की तमाम नेमतों से नवाजे, आमीन। अपने चैनल ऐनुल यकीन पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। भाइयो बहनों, आज जो मैं मौजू लेकर आपके पास आया हूँ वो रिज्क की तंगी का मौजू है। आजकल के मादी दौर में हर इंसान परेशान है, कारोबार नहीं चल रहा, आमदन कम हो गई है, तंगदस्ती हो गई है तो जाहिर है रिज्क भी कम हो जाएगा, बरकत नहीं है। तो साथ भाइयों बहनों, हर इंसान परेशान है, किसी न किसी का कुछ न कुछ मसला जो है वो ख़राब है। तो ऐसे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सरकार का इरशादे ग्रामी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स ये दुआ पढ़े, माशाअल्लाहु ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अशहदु अन्ना अल्लाह अला कुल्ले शाइन कदीर। एक बार फिर सुनिए, माशाअल्लाहु ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अशहदु अन्ना अल्लाह अला कुल्ले शाइन कदीर, माशाअल्लाहु ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अशहदु अन्ना अल्लाह अला कुल्ले शाइन कदीर। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स सुबह इस दुआ को पढ़ ले तो वो आला रिज़क से नवाजा जाएगा और गुनाहों से महफूज रहेगा। और फरमाया कि जो शख्स इस दुआ को शाम में पढ़ ले तो इस रात बेहतरीन रिज़क से नवाजा जाएगा और गुनाहों से महफूज रहेगा। तो दुआ मैं आपको फिर पढ़ के सुना देता हूँ, माशाअल्लाहु ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अशहदु अन्नल्लाह अला कुल्ली शाइन कदीर। एक बार फिर सुन लीजिए, माशाअल्लाहु ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अशहदु अन्नल्लाह अला कुल्ली शाइन कदीर। एक बार फिर सुन लीजिए, माशाअल्लाहु ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अशहदु अन्नल्लाह अला कुल्ली शाइन कदीर। और ये हदीस जो है वो उसकी किताब का हवाला है, इब्नुल अंसी, कंजुल ईमान और बिखरे मोती। तो भाइयों बहनों, ये दुआ आप याद कर लीजिए और एक बार सुबह पढ़नी है यानी फजर के बाद, और एक बार मगरब के बाद पढ़ लें तो इंशाअल्लाह ताला आपके रिज़क की तंगी जो है वो दूर हो जाएगी। अल्लाह ताला रिज़क में बरकत अता फरमाएगा, रिज़क में फराही आ जाएगी, तंग दस्ती दूर हो जाएगी।
और जो गुनाहों से आदमी बच जाएगा वो भी एक इनाम है कि आजकल कदम कदम पर गुनाह हम करते हैं, कदम कदम पर शैतान की यलवार है, तो गुनाहों से बच जाना भी बहुत बड़ी नेमत है। तो भाइयों बहनों, ये जो दुआ बताई है ये अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें और सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के पढ़ लें, माशाअल्लाहु ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अशहदु अन्नल्लाह अला कुल्ली शाइन कदीर। तो जब मगरब की नमाज़ पढ़ लें तो उसके बाद भी ये पढ़ लें, माशाअल्लाहु ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अशहदु अन्नल्लाह अला कुल्ली शाइन कदीर। तो अल्लाह ताला आपके रिज़्क में इजाफ़ा फरमाएगा और आप गुनाहों से भी बचे रहेंगे इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ व जल। तो भाई बहनों, अगर इस बारे में आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि ये नेक अमल सब तक पहुँच जाए और सब इससे फ़ायदा उठा सकें। तो मेरे भाइयों बहनों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और बेल के निशान को भी दबा दें ताकि मेरी दूसरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो भाइयों बहनों, अपना ख्याल रखें, अहले ख़ानदान का ख्याल रखें, सब के लिए दुआ करें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अपने वतन पाकिस्तान के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला हम सब पर आप पर अपना फ़ज़ल करम और रहमतें अता फ़रमाए, सबकी नेक हाजात नेक तमन्नाएं पूरी फरमाए, सब बीमारों को शिफाए कामला अता फ़रमाए, बेरोज़गारों को अच्छा रोज़गार अता फ़रमाए, बे औलादों को नेक और सालेह औलाद अता फ़रमाए, जो परेशान हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानी को दूर फरमा दे, और जो मुश्किल हैं मुश्किल में हैं अल्लाह ताला उनकी मुश्किल भी आसान फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।